गंभीर युग ने दिलाई 2000 वाली टीम इंडिया की याद। अब भारत के पास 5 नहीं 9 गेंदबाज हैं और आज कप्तान रोहित शर्मा ने भी आजमाए बॉलिंग में हाथ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक मोमेंट्स पे चर्चा करेंगे जो कि आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे ओडीआई मैच में हुआ। 3 मैचों की सीरीज इस समय खेलने भारत श्रीलंका के दौरे पे है। दूसरे मैच में श्रीलंकाई टीम टॉस जीतकर बैटिंग में उतरी और ऐसे में पारी के दौरान आज रोहित शर्मा गेंदबाजी में ऑफ स्पिन करते नजर आए। उनको देखकर फैंस काफी खुश हुए और एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। इस विषय में हम चर्चा और करेंगे। आप देखें तो कोलंबो में आज स्पिन को ज्यादा मदद मिल रही है। ऐसे में भारत के पास 3 स्पिन गेंदबाज है टीम में, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव। हालांकि कुलदीप यादव और सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी की थी इस मैच में, बावजूद इसके शायद रोहित शर्मा को लगा कि वो गेंदबाजी करने आए और टीम के एक दो और विकेट लेके जाए। ऐसे में 2011 वर्ल्ड कप की याद आ गई। आपको याद होगा उस समय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का युग चल रहा था, वो भी बहुत आजमाते थे गेंदबाजों को, अक्सर ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से कहीं ना कहीं विकेट मिलता है। और रोहित ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था, जब उनसे पूछा गया था बॉलिंग को लेकर जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्या ऑलराउंडर की संख्या बढ़ाएंगे या गेंदबाजी में कैसे विकल्प करेंगे, उन्होंने बिल्कुल उस समय कहा था हमारे पास बॉलिंग का ऑप्शन है, जरूरत पड़ने पर हम गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे और देखने को मिला है। हालांकि ओडीआई के पहले अगर आप देखें तो T20 में तो ये एक्सपेरिमेंट और कमाल किया गौतम गंभीर का। आपको याद होगा मैच जो आखिरी मुकाबला हुआ था T20 का, उस मुकाबले में रिंकू सिंह ने बॉलिंग की थी, उस मुकाबले में कैप्टन सूर्या ने बॉलिंग की थी और इन्हीं दो गेंदबाजों के बदौलत भारत ने वो मैच पहले सुपर ओवर में लेकर आया, यानी टाई कराया, उसके बाद शानदार बैटिंग करते उस मुकाबले को जीता। यानी कि वो मैच बिल्कुल हार चुकी थी और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कैप्टन सूर्या आएंगे बॉलिंग करने या रिंकू सिंह आएंगे और दोनों ने कमाल कर दिया। तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है श्रीलंका के दौरे में। आपको याद होगा पहले ओडीआई में भी गेंदबाजी के दौरान शुभमन गिल ने बॉलिंग की थी, हालांकि ओवर उनका थोड़ा सा महंगा गया था, 1 ओवर में 14 रन खर्च किए थे। ऐसे में आज रोहित शर्मा की बॉलिंग देखकर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दौर था जब अजय जडेजा बॉलिंग करते थे, कई बार उस ओवर में वो विकेट निकाल के ले जाते थे। सचिन तेंदुलकर ने तो कई बार बहुत अच्छे गेंदबाजी में कारनामा किया है, 5 विकेट भी निकाले हैं ओडीआई में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है। तो ऐसे बहुत सारे गेंदबाज हैं जिन्होंने कारनामा किया है। देखना है स्ट्रेटजी कैसे कामयाब होती है गौतम गंभीर और रोहित शर्मा।